जैसे कि रितु बीमार थी तो वहाँ पे उनके मम्मी पापा ने माना था। हम लोग तो आप लोगों को उतना ब्लॉग में बताते थे कि लग रहा था कि अब है और नहीं है, इस टाइप की बीमार थी। रितु बहुत सीरियस बीमार थी, उसे स्वयं भगवती को माना गया था, उसे चढ़ावा हो रहा है, उसी में हम लोग माता के दरबार में हाजिरी देने जा रहे हैं कि आपने हमारे बच्चे को नई जिंदगी दी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और मौसम थोड़ा सा भी सुहावना हुआ है। कुछ देर पहले बहुत ही ज्यादा गर्मी थी, वैसे रूम में जाएंगे तो गर्मी लगेगा ही, लेकिन हम लोग आ गए छत के ऊपर। जिया को कपड़ा फैलाने आना था और क्रियांश को लेकर के हम आगे घूमने के लिए, क्योंकि क्रियांश कुछ देर पहले सोया हुआ था और क्रियांश का जो है अब सोना हो गया है। तो क्रियांश बर्थडे नजदीक आ रहा है क्रियांश का, और क्रियांश बर्थडे आ रहा है नजदीक, तो क्रियांश अपने बर्थडे के लिए जो है कपड़ा भी लेगा, तो इसके लिए जो है कुछ पार्टी वियर ड्रेस भी लेना है, तो चलेंगे बोलेंगे। और फिलहाल क्रियांश देखिए क्या कर रहा है। क्रियांश लेकर के आया है मुझे यहाँ पर, कर रहा है नल चला देने के लिए, क्योंकि इस बाल्टी में जो पानी था उस पानी को मैंने फेंक दिया है बाहर, तो क्रियांश को अब पानी जो है खेलने के लिए है नहीं। तो ये देखिए तो अब क्रियांश को नीचे लेकर के चलते हैं। दादा दादी भी इसको खोज रहे होंगे, क्योंकि जब भी शाम का समय होता है अपने दादा दादी के पास रहता है और खेलता है। चले क्रियांश, बस मत तोड़ो क्रियांश, मत तोड़ो मत तोड़ो मत तोड़ो मत तोड़ो। हमारा खाना लग चुका है दोपहर का, और खाने में है रोटी चावल और सलाद में सिर्फ खीरा है, क्योंकि चुकंदर वगैरह खत्म हो गया था तो कोई लाने नहीं गया, और डैडी की छुट्टी थी तो इस वजह से वो जा नहीं पाए। और है करेले का भुजिया, करेले का भुजिया आप लोग बोलते हो कितना खाती हूँ, क्योंकि हमारे घर में सबको पसंद है। और उसके बाद दो दो दीदी डैडी दोनों डायबिटिक पेशेंट है, तो इस वजह से उनके लिए बनाना पड़ता है। और साथ में बनाया है पनीर आलू की सब्जी, जो कि मुझे बहुत पसंद है। आलू पनीर लोग कहते होंगे कैसे पसंद होता है तुम लोगों को, तो अपनी अपनी चॉइस होती है। तो और इधर मैंने बनाया हुआ है आम की चटनी, ऐसा ना बना करके मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने में, मेरे घर में भी सबको बहुत पसंद है। और ये दाल, और आप में से कुछ लोगों का कमेंट, कुछ नहीं एक लोग कमेंट किए थे कि पानी वाला दाल खाती है और गोल्ड खरीदती है। हाँ जी, तो अपनी अपनी समझ है, जैसे इसका मतलब थोड़ी होता है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो पैसों को लुटाओ, नहीं जी, जितना खाना होता है खाते हैं, बाकी अपनी अपनी चॉइस होती है। अगर आपको डेली नॉनवेज खाना पसंद है तो डेली नॉनवेज खाइए, जो खाना पसंद है आप पे डिपेंड करता है। तो मुझे जो पसंद है मैं वो खाती हूँ। A few moments later. हम लोग जा रहे हैं उसे संधि का घर समझो, छोटा वाला बेटा का ससुराल, लेकिन ओकेजन है वहाँ जो रितु बहुत सीरियस बीमार थी, उसे स्वयं भगवती को माना गया था, उसे चढ़ावा हो रहा है, उसी में हम लोग माता के दरबार में हाजिरी देने जा रहे हैं कि आपने हमारे बच्चे को नई जिंदगी दी, इसलिए हमारा उपस्थिति दर्ज कीजिए। और अभी वर्तमान में जा रहे हैं तो बेटा पोता के लिए भी कुछ मांग लेंगे यही बात है। इस घर पर भगवान कृपा दृष्टि बनाए रखे, उससे तो शाश्वत भी जाता, लेकिन यहाँ तो दोनों को अलग अलग जाना होगा, क्योंकि उससे शाकाहारी है, नहीं तो एक आदमी घर में रहेगा। क्रियांश को अकेले संभाल नहीं सकते हैं। मैं दूसरी बात, सूरज भी आ गया है तो सब कोई काम करेगा बैठ कर, हम लोग जाते हैं सबके लिए दया मांगने, वहाँ जा ही रही है तो हम लोग मांग के लाएंगे। चलो जब हम जब तक है तब तक तुम लोग को जाने की कोई जरूरत नहीं। डैडी को लगाया था, डैडी बोले थोड़ा सा माँ को भी लगा देते, डैडी जानते हैं कि ये सब चीज़ अलग है, लेकिन बेटा को तो लगा रहा है तो इससे अपार खुशी होती है। भगवान इसी तरह बनाए रखे, और दोनों बेटा में से किसी को कम नहीं रखे भगवान, दोनों बराबर रहे। हमें तो संपूर्ण संसार के लिए दुआ मांगती हूँ ईश्वर से, यह तो मेरा खून है, सब आदमी पैदा नहीं, हर माँ का अरमान रहता है कि मेरा बेटा हमसे चार उंगली बड़ा हो। 20 minutes later. चली गई है और इसके बाद हम जा रहे हैं छत पे, हम लोगों को भी जाना था बट इस वजह से नहीं गए क्योंकि हमें कुछ काम भी था, और इसके बाद तो ये इनको जाना था, लेकिन माँ बोली कि अगर जिया जाएगी नहीं तो फिर क्रियांश अकेले नहीं संभाल पाएगी वो, क्योंकि क्रियांश तो बहुत नटखट हो गया है, तो सही में उसको संभालना अकेले बहुत टफ है, तो इस वजह से माँ चली गई, हम लोग रुके हुए हैं। कभी होगा तो हम लोग भी जरूर जाएंगे, क्योंकि वहाँ का जो मंदिर है ना बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। कहा जाता है कि अगर आप कुछ दिल से मांगते हैं और आपकी भावनाएं अच्छी है तो जरूर पूरा होता है। जैसे कि रितु बीमार थी तो वहाँ पे उनके मम्मी पापा ने माना था, और रितु इतनी सीरियस थी ना, हम लोग तो आप लोगों को उतना ब्लॉग में बताते थे कि लग रहा था कि अब है और नहीं है, इस टाइप की बीमार थी वो, तो भगवान की दया से सब ठीक है और ठीक ही रहेगा। तो इस वजह से वहाँ पे माना गया था, तो माँ लोग गई पूजा करने के लिए, हम लोग भी कभी होगा तो जरूर जाएंगे। हम जल्दी जल्दी से खाना छोड़ कर गए थे डैडी को परफ्यूम लगाने, क्योंकि डैडी को परफ्यूम का बहुत शौक है,
तो इस वजह से गए थे और खाना यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, तो जल्दी जल्दी से खाना ख़त्म करते हैं, उसके बाद हमें बहुत सारा शूट भी करना है, जो काम है तो उसको तो करना बनता है भाई, उसी से सब कुछ होता है। अपने काम को अगर आप अच्छे से निभाते हो तो फिर आगे जाते हो, नहीं तो फिर जहाँ के तहाँ रहते हो। तो जल्दी से जल्दी खाना खाते हैं और पतिदेव और क्रियाज सोया हुआ है अभी। तो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये है हमारी प्यारी सी साड़ी और ये रेडी टू वेयर है, अगर जिसको नहीं भी पहनना आता ना तो आराम से आप पहन सकते हैं। और ये देखिए हमारा पूरा लुक कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा, मुझे तो बहुत पसंद आया। इसमें और भी बहुत सारे कलर थे, मस्टर्ड कलर थे, लेकिन मुझे ना ये कलर बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोगों को कहीं हल्दी वगैरह में जाना है तो इसका मस्टर्ड कलर भी ले सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। अभी मुझे याद आया कि मैंने चूड़ी तो पहना ही नहीं है, अभी जा करके चूड़ी पहन के आती हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी में मैं रहती हूँ ना कि मैं भूल ही जाती हूँ। और सारा काम ख़त्म करने के बाद, खाना खाने के बाद जो है ना, मैं सोचती हूँ कि थोड़ा आराम करूँ, लेकिन इस टाइम पर ये काम करना होता है तो थोड़ा सा हो जाता है हेक्टिक, बट काम है तो काम तो करना पड़ेगा। 20 minutes later तो आ गई हूँ नीचे और अभी मेरा कुछ पार्सल आया है, मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं दिखाऊंगी जो आप लोग बोले हैं कि ऑस्कर के परफ्यूम दिखाइएगा दीदी कैसा है, तो मैं वो दिखा देती हूँ। जो इनके लिए मैंने मंगवाया हुआ वो ये है और इसका दाम देख सकते हैं 1145 की ये परफ्यूम है और बहुत अच्छी है। एक तो मैंने डैडी को दे दिया है और एक इनके लिए रखा हुआ है मैंने, और बहुत ही अच्छा है, इसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है और ये सिर्फ अभी 199 में मिल रहा है, जो कि बहुत रिजनेबल हो गया है। जब मैंने अपने देवर की शादी में मंगवाया था ना तो इतने ही दाम का मंगवाया था जो इसका MRP है, लेकिन अभी ये अभी इसका जो ऑफर चल रहा है ना उसमें सस्ता मिल गया और मैंने अपने लिए एक ये मंगवाया हुआ है, ये भी बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो आप लोग ले सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर हमारे स्टोरी में लिंक मिल जाएगा, फेसबुक की स्टोरी में, इंस्टा स्टोरी में, जहाँ भी आप लोग हमें फॉलो करते हैं वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी एक हमने ये गिफ्ट करने के लिए मंगवाया हुआ है, एक ये वाला किसी को गिफ्ट करने वाली हूँ मैं, और एक ऑयल ये वाला, इसको भी मैं गिफ्ट करूँगी और इसका दाम है देख सकते हैं 1257। एक क्रियास ने गायब कर दिया है, ढूंढ के मुझे रखना पड़ेगा, जब आया था तो मैं देख रही थी तो क्रियास ने इधर उधर कर दिया है। ये भी बहुत अच्छा है, गिफ्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। बाकी इसके बाद मैं दिखाने वाली हूँ और क्या आया है। आज मेरा एनर्जी थोड़ा डाउन हो गया है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ अच्छे से, लेकिन मैं इतना स्लो नहीं बोल रही हूँ। ये बताइए क्या हो सकता है, आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि क्रियास का कोई टॉय तो नहीं है, लेकिन नहीं, ये टॉय नहीं है। सेट होगा मुझे भी नहीं पता, ये देखिए टूटा हुआ भी आ गया, ये मैंने चेक नहीं किया था, ये टूटा हुआ आ गया। ये है इयर रिंग स्टैंड जो कि मैंने लिया हुआ है मीशो से, लगा के दिखाती हूँ। ऐसे फिर ऐसे डाल के इसके ऊपर एक डाल देना, और ये कैसे यूज होगा मुझे वो भी नहीं पता है, देखना पड़ेगा। और यहाँ पे आप अपने इयर रिंग्स लगा सकते हैं ऐसे ऐसे करके, जो कि बहुत अच्छा है, बट ये है कि वो थोड़ा सा डिफेक्टिव प्रोडक्ट आ गया है जिसको मैं चेंज कर रही हूँ, तो इसको साइड रखती हूँ। और बाकी ये हमारे घर में पूजा होने वाला है ना, तो रुद्राभिषेक पूजा होने वाला है, तो उसके लिए मैंने एक बहुत ही प्यारी सी साड़ी मंगवाई हुई है जो पिंक और येल्लो में, येल्लो ब्लाउज है इसका, पिंक साड़ी है ये, बहुत सुंदर है। और एक लहंगा मंगवाया मैंने, हो सकता है कि मैं क्रियांस के बर्थडे में यही पहनूँ, दिखाती हूँ आपको। का ब्लाउज वगैरह सब कुछ मैंने स्टिच करवा लिया है, बहुत सुंदर है ये ब्लाउज है, बाकी ये लहंगा है, बहुत सुंदर है ये, कैसा रहेगा बताइएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी फोटो मैं मेंशन कर दूंगी, बहुत सुंदर है ये लहंगा, इसका ब्लाउज भी बहुत अच्छा है। बाकी इसके बाद ये पार्सल में क्या है वो भी मैं देखी देती, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया हुआ है। हाँ, इसके अंदर ना मैं ये साड़ी को क्या होता है ना कि हम लोग अलमारी में या फिर गोदरेज में साड़ी रखते हैं तो एक साथ ऐसे जमा करके रखते हैं तो साड़ियाँ गिर जाती है बार बार, उसके लिए मैंने ना साड़ी कवर मंगवाया हुआ है, दिखाती हूँ आपको। ये मैंने ना अपनी भाभी को दिखाया, अभी जनऊ में जो गई थी उपनयन संस्कार में, तो मैंने अपनी भाभी को दिखा था
कि वो ऐसे करके सारी साड़ियाँ लाई थी। इसमें क्या होता है ना, इसके अंदर आप साड़ी को फोल्ड करके रख दीजिए और ये रहेगा जेब जिसको आप आराम से लगा लीजिए। इसमें क्या होगा, साड़ी पेटीकोट ब्लाउज सारा कुछ एक साथ रहेगा, आपका कुछ खोएगा भी नहीं और आराम से रहेगा। एक बार क्या होता है ना, गोदरेज में मैंने सारी साड़ियाँ ऐसे जमा करके रखी थी, क्रियांस गया और सारी साड़ियों को खींच के गिरा दिया। तो उस सब चीज़ों से बचने के लिए बहुत अच्छा है कि आप फिर आपकी साड़ियाँ इधर उधर भी नहीं होंगी, सारा एक जैसा फोल्ड करके रखेगा। तो ये एक सेट 24 मैंने मंगवाया हुआ है। तो जिस दिन टाइम मिलेगा तो मैं सबको अच्छे से करके रखूँगी और आप लोग को दिखाऊँगी। बाकी उसके बाद पूजा के लिए मैंने एक चूड़ा भी मंगवाया हुआ है, देख सकते हैं, जो कि बहुत सुंदर है, मरून कलर का चूड़ा है, इसी टाइप का बट थोड़ा डिज़ाइन अलग है। तो चूड़ा तो सभी को पसंद होता है, तो मुझे भी बहुत पसंद है। बाकी प्रियांस के बर्थडे के लिए सारी तैयारियां चल रही है, आज हलवाई जो खाना बनाएंगे वो भी बुक हो गया, सारा कुछ हो गया। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और कोई भी परफ्यूम वगैरह चाहिए होगा तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से परचेज़ कर लीजिएगा तो आपको भी ऑफ़र में मिल जाएगा। या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़े हैं या फिर फेसबुक से जुड़े हैं तो वहाँ पे हमारी स्टोरी में, अभी मैं स्टोरी में लिंक डाल दूँगी, वहाँ से भी आप लोग परचेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।